भारत ने एक रॉकेट को जो तुम्बा में ही, जी हाँ बिल्कुल, गगनयान मिशन जो है वो धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक अंतरिक्ष में पहुंचेगा और ये लगभग 3 दिन का मिशन होगा। और इस 3 दिन के मिशन में भारत जो है विश्व को, विश्व के सामने ये साबित कर देगा कि भारत वो क्षमता रखता है कि एक सुरक्षित मानव मिशन को अंतरिक्ष में भेज सके। और उसके बाद जो भारत का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तैयार होगा उसमें भी इन्हीं एस्ट्रोनॉट में से एक एस्ट्रोनॉट इस स्टेशन पर भी जा सकता है। तो यही इस वक्त उम्मीदें लगाई जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विजन, जो साल 2047 का जो विजन प्रधानमंत्री ने दिया है, इस विजन के साथ साथ इसरो वो तमाम फैसिलिटीज, वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। देखिए आज जो PSLV का इंटीग्रेटेड फैसिलिटी जो श्रीहरिकोटा में है, प्रधानमंत्री यहाँ से उसका उद्घाटन करेंगे। ये भी बहुत दिलचस्प है। PSLV छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला रॉकेट होता है और ये जो इंटीग्रेटेड सिस्टम अब जो तैयार हो रहा है इससे PSLV ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करेगा, यानी 6 से 15 सैटेलाइट लॉन्च कर लेगा और छोटे छोटे सैटेलाइट भी लॉन्च कर लेगा। देखिए अब जो इसरो के पास टेक्नोलॉजी है वो नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं, छात्र सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। तो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर्स के लिए जो प्लेटफॉर्म दिया है और जब से इन स्पेस तैयार हुआ है तो कई जो स्पेस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स हैं और कई जो इस क्षेत्र से जुड़े MSMEs हैं, ये तमाम लोगों के लिए एक मोटिवेशन है, एक प्रोत्साहन है कि वो इस तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए वो अपने जो मिशन है उसे कामयाब बना सकते हैं। और खास बात ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में सेमी क्रायोजेनिक इंजन का भी, प्रोपल्शन सिस्टम के सेमी क्रायोजेनिक इंजन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। ये भी बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि सेमी क्रायोजेनिक इंजन का मतलब होता है सुरक्षित सैटेलाइट को सुरक्षित लॉन्च करना। तो ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक स्पेस क्षेत्र के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा है जो आने वाले दिनों में जो स्पेस का एक विजन है, साल 2047 का जो विजन है इसके लिए एक बुनियादी ढांचा तैयार हो रहा है। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अभी भी गगनयान इंटीग्रेशन असेंबली एरिया में है और पूरी दिलचस्पी के साथ वो जानकारी ले रहे हैं, हर छोटी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसरो के चेयरमैन सोमनाथ लगातार प्रधानमंत्री के हर उस चैलेंज को कबूल लेते हैं और हर उस चैलेंज पर खड़े उतरते हैं। तो इसरो के चेयरमैन सोमनाथ ने कल हमसे बातचीत करते हुए कहा था कि उनके लिए एक बहुत ही गर्व का क्षण है कि उन्होंने प्रधानमंत्री का जो विजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 को लाल किले से गगनयान मिशन का अनाउंसमेंट किया था, ऐलान किया था कि भारतीय एस्ट्रोनॉट्स गगनयान मिशन में जाएंगे, तो उन्होंने अब इस मिशन का ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार कर दिया है। ब्लूप्रिंट क्या, ये तो पूरी तरह से लगभग तैयार हो चुका है और अब बस जो मित्रा के उड़ान भरने की देर है जो इस साल होगी करीब अक्टूबर या नवंबर में होगी और उसके बाद अगले साल एस्ट्रोनॉट जो है इस मिशन में अंतरिक्ष के लिए रवाना हो जाएंगे। एमएसएमई का आपने जिक्र किया आयशा जी, कितना बूस्ट मिलेगा एमएसएमई सेक्टर को, क्योंकि उसको लेकर के भी आज टेस्टिंग फैसिलिटी जिसका जिक्र आपने किया उसकी शुरुआत करेंगे और बड़ा ही एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस ये पूरी टेस्टिंग फैसिलिटीज होती है जिसमें आप एक आर्टिफिशियल स्पेस का निर्माण करते हैं। जी देखिए, इसरो के साथ एक बहुत बड़ा एमएसएमई का इकोसिस्टम जुड़ा हुआ है, हजारों की संख्या में वेंडर्स जुड़े हुए हैं और ये जो है HAL जैसी बड़ी बड़ी PSUs जो है वो भी इसरो के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि HAL ने ही गगनयान का जो कैप्सूल है उसको तैयार किया था। तो MSME सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। MSME सेक्टर जबकि सैटेलाइट, जैसे कि मैंने बताया PSLV रॉकेट के जरिए ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसी, उड़ान भरने की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ाई जा सकती। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं तिरुवनंतपुरम से। जी 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 जी, अपनी बात आगे बढ़ाएं आशा जी। जी, MSME जो अपना जो इकोसिस्टम है उसको और बल देंगे और जो डिमांड बढ़ेगी तो इस डिमांड के लिए उन्हें तैयार रहना होगा। तो ऐसे इसरो का जो
ये स्पेस का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, एक दूसरा लॉन्च पैड तैयार हुआ, और अब महेंद्रगिरी में जो क्रायोजेनिक सेमी क्रायोजेनिक टेस्टिंग सिस्टम तैयार हो रहा है, और PSLV का इंटीग्रेटेड सिस्टम जो श्रीहरिकोटा में तैयार हो रहा है, ये तमाम चीजें जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है, और इसके साथ जुड़े हैं MSMEs की एक बड़ी चेन सप्लाई लिंक, और इन स्पेस के जरिए जो इसरो का प्राइवेट पार्टनर्स को मौका देने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, इनके जरिए ये इस क्षेत्र को और बढ़ावा मिलेगा। देखिए इनस्पेस ने भी कई इनस्पेस ने ऐसे कई मौके दिए हैं, प्लेटफॉर्म दिए हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स के लिए जो अपना ओन रॉकेट तैयार करने के बाद इसरो की जो फैसिलिटीज है, जो लॉन्च पैड सिस्टम है, उसे इस्तेमाल करके वो रॉकेट्स लॉन्च करते हैं। तो अजय, वो दिन दूर नहीं जब आप भी अगर चाहें तो एक अपना रॉकेट तैयार कर सकते हैं और इसरो के लॉन्च पैड से उसको लॉन्च कर सकते हैं। तो इतना आसान कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस पॉलिसी को, स्पेस सेक्टर को, और ये जो है आज का दिन जो है बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। तुम्बा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्टेटमेंट पूरे विश्व के सामने रख रहे हैं, एक स्टेटमेंट भेज रहे हैं कि इसी जगह से जहां पर हमने साइकिल पर रॉकेट लाया करते थे, तो यहीं पर हम आज गगनयान को असेंबल किया है, और यहीं से भारत के एस्ट्रोनॉट इसी गगनयान मिशन को असेंबल होने के बाद श्रीहरिकोटा से उड़ान भरेंगे। बिल्कुल सही कहा, और भले ही आपने भले हल्के फुल्के अंदाज में कहा हो कि शायद हम भी अपना एक सैटेलाइट बना करके लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है, बहुत सारे विद्यालयों में लोग स्टूडेंट सैटेलाइट बना रहे हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही कम उम्र में अपने सैटेलाइट्स बना करके और उसको लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जो तीसरी फैसिलिटी है आयशा जी, वो PSLV लॉन्च फ्रिक्वेंसी एंड सपोर्टिंग स्मॉल व्हीकल्स की है, जिसका